मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बदसलूकी का शिकार हुई सांसद स्वाति मालीवाल से आम आदमी पार्टी ने दूरी बना ली है। केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाने वाली मालीवाल पर उन्हीं के पार्टी नेता हमलावर हैं। इसी बीच मालीवाल को ऐसे शख्स का समर्थन मिला है जिसके बाद केजरीवाल बैकफुट पर आ सकते हैं। खास बात यह है कि इस महिला ने ना सिर्फ मालीवाल का समर्थन किया बल्कि केजरीवाल को चुप्पी तोड़ने की नसीहत भी दे दी। दरअसल स्वाति मालीवाल का समर्थन करने वाली महिला का नाम निर्भया की मां आशा देवी है। उन्होंने कहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ बहुत गलत हुआ है। वो स्वाति मालीवाल को अच्छे से जानती है, कई बार उनसे मुलाकात हुई है, उनके साथ बहुत काम भी किया है, उन्होंने हमारे केस में भी मदद की। देखिए उनपे उनको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि पूरे स्टेट का यानी दिल्ली के वो सीएम हैं और भी राज्यों में है, पूरी जनता का उनपे विश्वास है। वो खुद ही कहते हैं कि हम दिल्ली का बेटा हूँ, भाई हूँ, तो उस भाई और बेटे के नाते, भाई के नाते उनको इस पे बोलना चाहिए। जो भी गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उस स्वाति जी का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि स्वाति जी ने उनके साथ 8-10 साल महिलाओं के लिए काम किया है। उनके वजह से कितने महिलाओं को हेल्प मिला, कितने केसों में उन्होंने महिलाओं का हेल्प किया, मैं खुद जानती हूँ। मैंने खुद उनका उनसे कई महिलाओं का केस करवाया है, अपने लिए भी मैं बार बार उनसे मिली हूँ। तो इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए और स्वाति जी को इंसाफ मिलना चाहिए। आशा देवी ने कहा कि मैंने कई महिलाओं का केस उनसे डिस्कस किया है, उन्होंने जितना हो सके मदद की है। अगर इतनी पावरफुल महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? आशा देवी ने केजरीवाल को मालीवाल केस में सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। आशा देवी के इंटरव्यू के वीडियो को स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ नेता आशा देवी को भी मेरा समर्थन करने के लिए भाजपा का एजेंडा बता देंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा, निर्भया की माताजी ने देश में इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी है। जब मैं बच्चों के रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए अनशन कर रही थी तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया था। आज उन्होंने मेरे समर्थन में ये वीडियो बनाई तो दिल बड़ा भावुक हुआ। पर कोई बात नहीं, अभी कुछ नेता मेरा समर्थन करने के लिए इन्हें भी बीजेपी एजेंडा बता देंगे। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी विभव कुमार पर आरोप लगाया है कि जब वे केजरीवाल से मिलने उनके आवास पहुंची तो विभव ने कथित तौर पर उनसे बदसलूकी और मारपीट की। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और जुबानी जंग भी जारी है। इसी मामले में दिल्ली पुलिस की टीम अरविंद केजरीवाल के परिवार से भी पूछताछ कर सकती है। अब देखना ये होगा कि मालीवाल विवाद कहां जाकर थमता है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।